तो अयोध्या में हम मौजूद हैं और अयोध्या में मुझे परम भक्त प्रभु राम के मिले हैं। बताइए अपने बारे में, क्या नाम है आपका? माधव पांडे। माधव पांडे जी बिहार से आए हैं और भगवान राम के बारे में इनके मुख से आप सुन लेंगे तो अयोध्या की सुंदर सी नगरी में आपके भी मन प्रफुल्लित हो जाएंगे। तो चलिए पांडे जी शुरू हो जाइए, क्या सुनाइएगा भगवान राम के लिए? हमारे आर्यावर्त भरत वर्ष के राम, आर्यावर्त भरत विश्व विराट का हृदय है। इस देश की संस्कृति, त्याग तप, संयम नियम, प्रेम की पराकाष्ठा, परमार्थ पुरुषार्थ एवं परस्वार्थ की चरम परिणति, ज्ञान विज्ञान की सर्वश्रेष्ठ प्रवमान प्रणाली, सर्वजन हितकारी भावना से ओत प्रोत भास्कर प्रकाश की तरह तम तुम विनाशक विश्व बंधुत्व की गौरव गरिमा प्रस्थापित कर। तो अब आप जान गए होंगे कि प्रभु राम को लेकर, उनके चरित्र को, मर्यादा को लेकर इनकी क्या ज्ञान का लेवल है। अब सुनाइए अपनी तरफ से। हमारे प्रभु श्री राम जी का चरित्र तो इतना पवित्र और निर्मल चरित्र है कि औरों की तो बात जाने ही दीजिए, अब यहाँ रावण की दुर्दशा देख लीजिए। रावण गया कुंभकर्ण के पास तो कुंभकर्ण ने पूछा कि क्या बात है लंकापति, बड़े उदास दिखाई दे रहे हो, तुम चिंतित आज दशानन क्यों? रावण बोला, हर लिए हमने निकली, हमने श्री सीता जी का हरण कर लिया। कुंभकर्ण बोला, अधिकार किया तुमने उन पर? रावण बोला, लगती ही नहीं वो और हमारी, वो मेरी ओर देखती तक नहीं है, वो मेरी ओर ताकती तक नहीं है। तो कुंभकर्ण ने कहा कि जब महात्मा बनकर तुमने उन्हें हरण कर लिया तो राम बनकर ही उन पर अधिकार पालो। तो रावण बोला कि बड़ी कठिनाई है, किसमें है हमको वैरम वारी, और जब राघव रूप लगा बनने तब मात समान लगी सब नारी। अर्थात जब मैं श्री राम जी का चिंतन करने लगा तो मेरे मन से वासना ही चली गई, ऐसा पवित्र चरित्र। और हर महिला में उन्हें माँ का रूप दिखने लगा। आपने इतनी कम उम्र में, उम्र कितनी है आपकी? 9 वर्ष। 9 वर्ष। और माधव पांडे जी, हाँ पांडे जी बोल सकती हूँ ना आपको? पांडे जी कैसे, मतलब इतना कैसे याद कर लिया है, कैसे सीख लिया आपने? ये सब माता जी का, माता जी का, आपकी माता जी का देन है। हाँ। आपकी माता जी देखिए तब प्यार से यहाँ वीडियो भी बना रही है, इसको कहते हैं जय श्री राम कह रही है वो। तो अब चलिए पांडे जी चलते चलते अयोध्या नगरी में भगवान राम के लिए कुछ बोलिए। बाबर की बर्बरता का तो होना अंत जरूरी था, इसीलिए तो इस सत्ता में खोना सब जरूरी था। मंदिर गिरना मंदिर बनना ये सब प्रभु राम की इच्छा थी। कलयुग में मर्यादित रहना सबसे बड़ी परीक्षा थी। मर्यादा में रह करके ही मंदिर को बनवाए हैं। निराधार जब तर्क हुए सब, तभी राम घर आए हैं। और ये शुभ घड़ी आई है, खूब गदगद है। हम इतना ही कहेंगे अयोध्या से, वाह पांडे जी वाह।